हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल टेक्निकल टीच एंड ट्रूथ के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ आप मोबाइल फ्रेम पीएनजी आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कोई कॉपीराइट भी नहीं मिलेगी और आप अपने वीडियो को बहुत ही सुंदर बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह का मोबाइल पीएनजी आप भी अपने फ़ोन में इस तरह का पीएनजी डाउनलोड करके अपने वीडियो को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हो, अपने वीडियो के ऊपर ये फ्रेम लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप इस तरह का पीएनजी कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। तो सिंपली आपको अपने गूगल क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद दोस्तों आपको ऊपर थ्री डॉट मिल जाएगी, तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आपको यहाँ नीचे डेस्कटॉप साइड मिल जाएगा, तो आपको डेस्कटॉप साइड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल फ्रेम पीएनजी सर्च कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे मोबाइल फ्रेम पीएनजी सर्च कर लिया। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे दुनिया भर की पीएनजी आ गई है और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन आप मेरा वीडियो को पूरा देखें, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको कॉपीराइट भी आ सकता है अगर आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे करना क्या होगा जिससे कि आपका कॉपीराइट नहीं आएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा पहले यहाँ पे जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर लेना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे जूम करके आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको टूल्स दिखाई देगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टूल्स पे क्लिक करते हो तो आपको थोड़ा सा इधर आ जाना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ गया है। आप जिस टाइप कलर में चाहते हैं आप उस टाइप का कलर में यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं पीएनजी। फिर यहाँ पे साइज भी आ गया, आप जिस साइज में करना चाहते हैं वो साइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट, आईफोन, रेडमी, हैंड, एंड्रॉयड, बहुत तरह का यहाँ पे आ गया। आप जिस तरह का आप चाहते हैं यहाँ से आप उस तरह का यहाँ से आप फ्रेम डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कि आप टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा। तो ये बातें आप बिल्कुल ही ध्यान में रखें, जैसे कि आपका फ्रेम डाउनलोड आप करेंगे तो इससे आपका कॉपीराइट नहीं आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे यूज राइट्स मिल जाएगा, तो आपको यूज राइट पे क्लिक कर देना है। यूज राइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस मिल जाएगा, तो आपको क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस पे क्लिक कर देना है। तो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह का इंटरफेस आ गया है। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के बारे में आपको बता देता हूँ, उसका मतलब होता है क्या, उसका मतलब फ्री होता है। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का मतलब फ्री होता है, फ्री में यूज करना ही होता है उसका मतलब। तो आप कोई भी पीएनजी डाउनलोड करने से पहले आप इसको क्रिएटिव लाइसेंस में जरूर कर ले ताकि आपको कोई भी तरह का कॉपीराइट ना पड़े। चलिए आपको फिर इसके बाद आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा पीएनजी आ चुका है। तो आप जो भी पीएनजी को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्रेम को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप सिंपल से आपको इसको आपको इस पर एक बार टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का बड़ा होकर पीएनजी आ चुका है। तो आपको थोड़ी देर यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डाउनलोड इमेज मिल जाएगा, तो आपको सिंपली डाउनलोड इमेज कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से डाउनलोड इमेज हो चुका है और ओपन का भी ऑप्शन यहाँ पे दे चुका है। तो सिंपली ये आपका गैलरी में जाके डाउनलोड हो चुका है, गैलरी में सेव हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।